सर्वभारतीयों मारवाड़ी महिला सम्मेलन पक्ष के श्रावणी मेला सोमवार सर्वभारतीयों मारवाड़ी महिला सम्मेलन पक्ष के रानीगंजे सीतारामजी भवने दुदिन श्रावण मेला आयोजन से उपलक्षे सीतारामजी भवने विभिन्न स्टल स्थापन जेखने महिला द्वारा तैरी जिनिसगुलिर प्रदर्शनी होच्छे एखाने गृहस्थली प्रयोजनीय जिनिसपत्र सह एर पाशापाशी शिशुदेर जन्यो रयेछे नाना आकर्षणीय जिनिस पाशापाशी खाबारे स्टलो स्थापन करा हयेछे। एई उपलक्षे संगठनेर रानीगंज शाखार सभापति आशा टोलानी बोलेन राखी उत्सव आसते चलेछे। सेई राखी उत्सवे बोनेरा तादेर भाइयेदेर उपहार देय एबं भाइयेराओ तादेर बोनेदेर उपहार देय। तिनि बोलेन जे एखाने स्टल सब धरनेर पण्य पावा जाबे एटी दुदिन चलबे। তিনি বলেন দুর্গাপুরের একজন শিল্পী এখানে একটি প্রদর্শনীও রেখেছেন। অপরদিকে সংগঠনের অপর এক কর্মকর্তা জানান আজ ও আগামীকাল এই দুদিনব্যাপী এই শ্রাবণ মেলায় যে সমস্ত স্টল বসানো হয়েছে সেখানে মহিলাদের বিভিন্ন ধরনের চিত্রকর্ম প্রদর্শন করা হয়েছে। এছাড়াও তিনি বলেন এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে মহিলাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা রয়েছে। এই মেলার বিষয়ে তিনি বলেন এই ধরনের অনুষ্ঠান মহিলাদের উৎসাহ বাড়ায়, তাদের মধ্যে কিছু করার ক্ষমতা বাড়ে। এ ধরনের মেলা আয়োজনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের পথে একটি দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে বলে তিনি জানালেন। ব্যুরো রিপোর্ট, গুগলি নিউজ। ये प्रदर्शनी आयोजित कर रहे हैं, इससे महिला लोग सशक्त तो होती है, उनके अंदर उनका मनोबल भी बढ़ता है, उनका मनोरंजन भी होता है, उनको लगता है कि हाँ हमारे अंदर भी कुछ कर गुजरने की काबिलियत है। और ये हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है और ये हमारा एक फंड रेजिंग प्रोग्राम भी है, हमारी समिति भी इससे सशक्त होती है। कितने स्टॉल है यहाँ पर? यहाँ पर 29 स्टॉल है। और यहाँ पर कहाँ कहाँ से आई हुई है महिलाएं? हम देख रहे हैं कि रानीगंज के अलावा भी आसनसोल, दुर्गापुर सब जगह से आई हुई है और रानीगंज की भी काफ़ी है, हमारे मेंबर्स भी कुछ लगाए हैं। कितने आपके संस्था में कितने सदस्य हैं? 140। अलावा और क्या क्या कार्य करती है आप लोग? अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन पूरे भारतीय स्तर में एक आप लोग का नाम है, आप बताएं इसके अलावा और आपकी संस्था रानीगंज में क्या क्या करती है? हमारी शाखा 5 तरीके का कार्य करती है, जिसमें हम लोगों का आता है सबसे पहले कि हम लोग लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हैं, हमारा आता है बाल विकास का कार्य, हमारा आता है महिला सशक्तिकरण, इसमें हम लोग महिलाओं को सशक्त करते हैं, हम लोग पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण प्रकल्प में काम करते हैं, जन जागरण में काम करते हैं, इसी तरह हम लोग अन्नदान नेत्रदान पर भी कार्य करते हैं कि हम लोग लोगों को प्रोत्साहन करें कि हम लोग कैसे अपने शरीर का जो हिस्सा है जो हम लोगों का मरणोपरांत काम नहीं आएगा उसको हम लोग दान देकर बाकी लोगों को उसको सुनते हैं। ये बताइए क्या क्या साबित करना चाहती हैं? क्या पुरुषों के समान महिला कंधे से कंधे मिला के चल रही है या फिर अपने पैरों में स्वावलंबी होना चाह रही है या फिर आप क्या साबित करना चाहती हैं? देखिए क्या है, महिलाओं में हुनर काफ़ी है पर वो हुनर सिर्फ घर तक सीमित रह जाती थी और अभी कोविड काल में तो ऐसा लगा कि हर महिलाओं का जो अंदर से प्रतिभा थी वो बाहर आ रही है। किसी में सिलाई कढ़ाई का है, कोई राखी अपने हाथ से बनाती है, कई लोग ऐसा गिफ्ट हैम्पर सजा के देती है जो मार्केट में ज़रूरत है, क्योंकि आजकल हर समय हम लोग किसी के जन्मदिन में किसी के सालगिरह में उन्हें उपहार के रूप में कुछ देना चाहते हैं, तो वो सारी कुछ महिलाएं सशक्त हो रही हैं अपने घर में बना के। अब उनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, तो प्लेटफॉर्म कौन देगा? एक महिला ऑर्गेनाइजेशन ही प्लेटफॉर्म देगा कि तो हमारे जो महिला ऑर्गेनाइजेशन है मारवाड़ी महिला समिति राजगंज, हम लोग सबसे ज़्यादा कार्य करते हैं महिलाओं को सशक्त करने, तो जो घर में घुसे हुए महिलाएं हैं जिनकी प्रतिभा को हम लोग रानीगंज के वालों को नहीं पहुंचा पा रहे थे या खुद वो नहीं पहुंचा पा रही थी, उन्हें एक प्लेटफॉर्म देते हैं। आप देखिए यहाँ पे सारी महिलाएं किस तरह से व्यस्त हैं और वो आज उनको कई महीनों से अगल बगल जितनी भी जगह है बराकर, न्यामतपुर, धनबाद, आसनसोल, कल कोलकाता सब जगह अपना सामान लेके जा रही है और उन्हें बहुत अच्छा रोजगार मिल रहा है, बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है।